नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। मंदुरी एयरपोर्ट मामले को लेकर विरोध में किसानों के साथ लालजीत क्रांतिकारी खड़ा हो गए हैं। उनका कहना है कि जनता रो रही है और सरकार सो रही है। मंदुरी एयरपोर्ट मामले को लेकर जनता के समर्थन में जम्मू, हरिरामपुर, गदनपुर, हिच्छन पट्टी, कादीपुर, हरिकेश, हसनपुर, मंदुरी आदि गांव की जनता एकत्रित होकर एयरपोर्ट का विरोध की है। मामले में लालजीत क्रांतिकारी ने क्या कुछ कहा है, सुन। सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार और अधिकारी कर्मचारी जो भी यहाँ के लोग हैं सत्ता शासन में बैठे हुए, जनता को इतना परेशान कर रहे हैं कि कहने वाली बात नहीं। रात रात में आकर के इधर सर्वे कर रहे हैं लोग, लड़कों को डंडा मार रहे हैं, किसानों को डंडा मार रहे हैं। अभी एक माता जी दिखा रहे हैं कि उनके हाथ में मारा है, यहाँ फ्रैक्चर हो गया उनका हाथ। आप बता दीजिए इतना शोषण ये लोग कर रहे हैं। हमारी मांग है इस सरकार से कि जनता के ऊपर ये जो शोषण कर रहे हैं लोग, ये शोषण बंद हो। अधिकारी कर्मचारी ये जनता के नौकर हैं और नौकर बन के रहें। अधिकारी कर्मचारी जो डंडा मार रहे हैं ये निश्चित तौर पे जनता के साथ, किसानों के साथ, माताओं के साथ ये पूर्ण से अन्याय कर रहे हैं। मेरी मांग है कि ये जो अत्याचार शोषण कर रहे हैं ये निश्चित तौर पे एक तरह से बहुत ही गलत है। ये अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, आप किसानों से बात करिए, बैठ करके बात करिए, जो इनकी बात है उसको सुनिए। अगर ये इनकी इच्छा नहीं है जमीन देने की तो जमीन नहीं देंगे। अगर आप किसी से जबरदस्ती बैनामा नहीं करा लेंगे, आप भड़का रहे हैं, आकर के लाठी डंडा मार रहे हैं, ये पूर्ण रूप से संविधान के खिलाफ है और इस जनता के खिलाफ है ही। मेरी मांग है कि जनता के ऊपर शोषण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।